स्वामी ओम जी ने घोषणा करते हुए कहा है कि पिछले 40 वर्षों में सारी दुनिया के सभी देशों, प्रांतों, शहरों में घूम घूम कर सैकड़ों करोड़ श्री राम जी के भक्तों का उपरोक्त मंदिर निर्माणार्थ जन जागरण करते हुए स्वामी ओम जी ने श्री राम मंदिर निर्माण आंदोलन को शिखर तक पहुंचाया। उल्लेखनीय है कि 1984 से लेकर 1989 तक, यानी 1984 से लेकर के 1989 तक प्रयागराज के संगम तट पर व अन्य सभी शहरों के सभी तीर्थस्थलों पर लगने वाले माघ, अर्धकुंभ, पूर्णकुंभ आदि सभी हिंदूवादी मेले में हिंदुओं के वैष्णव रामानुज, रामानंदी, मध्व तथा महाराष्ट्र के वारकरी व रामदासी एवं दक्षिणी राज्यों के रामानुज व वैष्णव तथा दशनामी संप्रदाय, शैव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, गौड़ीय मठों के सभी मठाधीशगण, सिखों के नामधारी व अकाली खालसा कबीरपंथी, आसाम के सत्राधिकार, राजस्थान के रामस्नेही वैरागी उदासीन वल्लभ आदि सभी निम्बार्काचार्यगण, जैन बौद्ध स्वामी नारायण संप्रदाय आदि समाज सहित हिंदुओं के अन्य 60 प्रमुख संप्रदायों के अलावा सभी धार्मिक कथावाचक गण, अन्य सभी वैश्विक हिंदूवादी संप्रदायों, पंथों के सभी धर्म गुरुओं, शंकराचार्यों, महामंडलेश्वरों, ऋषियों, मुनियों व उनके शिष्यों व भक्तों को जागृत व आंदोलित करने हेतु स्वामी ओम जी विश्व धर्म संसद भी बारंबार स्वामी ओम जी द्वारा अनेकों वैश्विक तीर्थस्थलों में व शहरों में आयोजित कर करके सभी सोए हुए हिंदुओं को जल जागरण कर करके तथा श्री लाल कृष्ण आडवाणी के सहयोग से तथा तारीख 25/3/1990 से गुजरात के सोमनाथ मंदिर से लेकर अयोध्या तक स्वामी ओम जी के नेतृत्व में निकाले गए श्री राम रथ यात्रा के सुपरिणाम स्वरूप ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक संपूर्ण भारत के 100 करोड़ हिंदुओं व श्री राम भक्तों को आंदोलित करके तारीख 30 अक्टूबर 1990 से लेकर के तारीख 2 नवंबर 1990 तक स्वामी ओम जी के नेतृत्व में लाखों कार सेवकों को अयोध्या में एकत्रित स्वामी ओम जी ने किया, जहां पर मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने गोलियां चलवाकर 16 प्रमुख श्री राम भक्तों की हत्या कराने के बाद हजारों निहत्थे व अहिंसक ओम जी के शिष्यों को घायल करा दिया, जबकि उपरोक्त जन आंदोलन में स्वामी ओम जी के परम मित्र महंत श्री रामचंद्रदास जी परमहंस, देवराहा बाबा, महंत अवैद्यनाथ, जयंत सरस्वती सहित उपरोक्त सभी संप्रदायों के धर्म गुरुगण, मठाधीशगण, कथावाचकगण, शंकराचार्यगण, महामंडलेश्वरगण सहित महंत नित्य गोपाल दास व महंत ज्ञानदास, साध्वी रितंभरा, उमा भारती व महंत अवैद्यनाथ, योगी आदित्यनाथ आदि सभी संतों सहित स्वामी ओम जी के परम शिष्यगण सर्वश्री अटल बिहारी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवाणी, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, अशोक सिंघल, बाला साहब ठाकरे, नरेंद्र मोदी, भूतपूर्व प्रधानमंत्रीगण सर्वश्री पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी, चंद्रशेखर चौधरी चरण सिंह, श्रीमती इंदिरा गांधी सहित आरएसएस के चीफ मोहन भागवत, सुदर्शन जी, रज्जू भैया सहित बीजेपी के तथा आरएसएस के एवं बीएसपी के जनसंघ के, शिवसेना के, हिंदू महासभा के व अन्य सभी हिंदूवादी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, औद्योगिक आदि हजारों वैश्विक संस्थाओं के सभी उच्चतम पदाधिकारियों ने उपरोक्त आंदोलनों के दौरान स्वामी ओम जी को तन मन धन आदि सभी प्रकार के से सहयोग दिया था, जिसके लिए स्वामी ओम जी ने उपरोक्त सभी महानतम लोगों को सहृदय धन्यवाद दिया था। इसीलिए स्वामी ओम जी ने उपरोक्त सभी वैश्विक हिंदुओं से अपील करते हुए कहा है कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिलान्यास व पूजन दिवस तारीख 5 अगस्त 2020 बुधवार को पूर्वान्ह 10 बजे सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 12:30 PM तक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा बुनियाद रखते समय अपने अपने घरों में बैठकर लगातार हनुमान चालीसा सहित
भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी आदि का पाठ करते हुए वह उसी दिन शाम को अंधेरा होने के बाद रात को 8 PM पर अपने अपने घरों के बाहर दरवाजों पर बालकनी व खिड़की आदि घर के चारों तरफ दिवाली की तरह दीपक मोमबत्ती मोबाइल का ऑटो फ्लैश लाइट आदि जला जलाकर दिवाली मनाते हुए श्री राम जी का अभिनंदन आप लोग करें तथा उसके पहले तारीख 3 अगस्त 2020 को प्रातः 10 बजे सुबह में रामायण अखंड रामायण पाठ प्रारंभ करके तारीख 5/8/2020 को प्रातः 10 बजे तक श्री रामचरित मानस का अखंड रामायण का पाठ करें। स्वामी ओम जी ने राज्य व केंद्र सरकारों से अपील करते हुए कहा है कि स्वामी ओम जी सहित लालकृष्ण आडवाणी जी आदि सभी श्री राम भक्तों के खिलाफ चल रहे बाबरी ढांचा विध्वंसक मुकदमा को अंडर सेक्शन 321 CRPC के अधीन विशेष अदालत से वापस ले लें। स्वामी ओम जी ने चेतावनी देते हुए कहा है कि तारीख 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री द्वारा बुनियाद रखने के दौरान श्री राम द्रोही मोहम्मद इकबाल मोहम्मद फैज खान मोहम्मद जफरयाब जिलानी आदि किसी भी मुसलमान को श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में स्वामी ओम जी घुसने नहीं देंगे तथा अयोध्या के धन्नीपुर गांव में सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम से आवंटित 5 एकड़ जमीन पर बाबर के नाम से मस्जिद भी नहीं बनाने देंगे बल्कि उस जगह पर डॉक्टर स्वामी ओम जी के शिष्य तथा भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से वहां पर हॉस्पिटल या यूनिवर्सिटी स्वामी ओम जी बनवाएंगे जिसमें आप लोगों का तन मन धन से सहयोग चाहिए। आपकी एकतापूर्वक आपका एकजुटतापूर्वक स्वामी ओम जी के साथ खड़े होकर के इस बात के लिए सरकार को मजबूर करने और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मजबूर करने की कोशिश करनी चाहिए। अभी जो मैंने बयान दिया है इस बयान को आप लोग मेरा जो ओम जी न्यूज है यूट्यूब चैनल ओम एक वर्ड है OMGJEE दूसरा वर्ड है और न्यूज NEWS ये इंग्लिश में है इसको आप लोग अरबों की तादाद में आप लोग सब्सक्राइब करें और इस बयान के वीडियो को आप लोग करोड़ों की तादाद में शेयर करें फॉरवर्ड करें जिससे कि हमारी शक्ति बढ़े और भगवान राम के जन्मभूमि के मंदिर की तरह काशी मथुरा को भी हम लोग मुक्त कराने में कामयाब हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम।